दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसा प्रेशर स्विच कैलिब्रेशन दिखाऊंगा जो शायद आप कभी कभार देखा होगा। ये बहुत ही हाई प्रेशर स्विच है। ऐसा स्विच जनरली हाई प्रेशर लाइन में यूज किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, बट डाल का ये स्विच है, इसका सेट पॉइंट है। दो स्विच है इसका। अब देखिए, ये स्विच वन है और ये स्विच है टू। इसका ये सेट पॉइंट है, ये दोनों सेट पॉइंट है। सेट पॉइंट ये एडजस्टेबल स्क्रू है, ये स्विच का सेट पॉइंट नहीं, एडजस्टेबल स्क्रू। और ये स्विच वन आप देख रहे हैं, इसका सेट है 161 बार और स्विच टू जो है 155 बार में फॉलिंग में। ये है इसका कनेक्शन, ये कॉमन है और NONC दोनों ही है, जैसे इसका स्विच में रहता है ऐसे ही। टेस्ट गेज आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट गेज बटन वर्क का 250 kg का, और एक कंपैरेटर है, ये भी बटन वर्क का है। और एक मल्टीमीटर यूज़ किया है हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। कनेक्शन तो आप लोगों को पता ही है। अब देखिए प्रेशर इसका, हम लोग उठाएंगे 162 kg। साठ, 80, 120, 140, 160, ये देखिए 62 में ये चेंज हो गया। फिर रिलीज करते हैं, रिलीज ये चेंज हो गया बस। अब इसका जो है रीसेट, दो स्विच जो है रीसेट दूसरा स्विच से किया जाता है इसका। ये जहाँ पर यूज़ हो रहा है ERP में यूज़ हो रहा है बॉयलर का, तो वहाँ पर इसका एक स्विच में सेट किया गया है और रीसेट जो है फॉलिंग में सेट किया गया है। दूसरा स्विच, ये वाला स्विच फॉलिंग में सेट किया गया है। तो ये रहा ERP का प्रेशर स्विच का कैलिब्रेशन। देखते रहे अगले वीडियो, बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।